तो दोस्तों कई बार आपके घर वाले आपसे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, मान लीजिए आप खाना खाने के लिए बैठे हैं और आपने भी खाना शुरू ही नहीं किया, उससे पहले पानी का गिलास लेकर आपने आधे गिलास पानी पी लिया, तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं? पानी बाद में, यानी कि पहले खाना फिर पानी, इस तरह से बोलते हैं। या फिर आप होमवर्क वगैरह करते होंगे स्कूल में हैं तो बोलते हैं पहले होमवर्क बाद में खेल। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो देखिए इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। उसमें सबसे पहले अपनी फर्स्ट लिखना है और उसके बाद अपनी पहली वर्ब, उसके बाद देन लगाकर फिर अपनी सेकेंड वर्ब। अब जैसे मैंने बोला पहले खाना फिर पानी, तो इसकी इंग्लिश होगी फर्स्ट फूड देन वाटर, यानी कि पहले खाना खाओ उसके बाद आपको पानी पीना है। या फिर पहले होमवर्क उसके बाद क्या करना है? खेलना है। तो अब इसमें बोल सकते हो फर्स्ट होमवर्क देन प्ले, या फिर गेम्स आप बोल सकते हैं, यानी कि पहले होमवर्क बाद में आप खेल खेल सकते हो। तो इस तरह से आप इन्हें भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूँ, पहले नहाना फिर सोना, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो वीडियो आपको कैसे लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।